इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में BlueStacks सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं। BlueStacks सॉफ्टवेयर एक एमुलेटर है जिससे कि आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में रन करा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर में BlueStacks सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो, और साथ ही BlueStacks में क्या सेटिंग्स होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो में जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे स्टेप्स आपको अच्छे से फॉलो करना है बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद आपको ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में आपको सर्च में BlueStacks लिखकर सर्च करना है। देन उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bluestack.com, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे आपको BlueStacks को डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शंस दिए गए रहते हैं। तो यहाँ पे आपको BlueStacks को डाउनलोड करने के लिए आपको BlueStacks 5 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो BlueStacks का EXE फाइल होगा, जो सेटअप फाइल होगा, वो डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको इस फाइल पर डबल क्लिक करना है। BlueStacks को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो भी परमिशन मांगा जाएगा आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली अगर यहाँ पे अपने इंस्टॉलेशन में कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन वाले पे क्लिक करना है। और अगर आप BlueStacks को किसी अदर ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको चेंज फोल्डर पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जिस भी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हो सिंपली यहाँ पर आपको वो ड्राइव को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ नीचे दिए गए रहते हैं स्पेस रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे BlueStacks को कितनी स्पेस चाहिए आपके कंप्यूटर में। जैसे कि BlueStacks को इंस्टॉल करने के बाद जो स्पेस चाहिए 6420 MB का स्पेस चाहिए BlueStacks को। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर चेक कर लेना आपके कंप्यूटर में स्पेस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बैक करके मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोडिंग स्पीड आपके इंटरनेट स्पीड पे भी वेरी करता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पे जैसे कि कहा जा रहा है अगर आपने पीसी में एंटीवायरस रखा है तो यहाँ पे आपको पॉज कर देना है। अगर इंस्टॉलेशन के टाइम में कुछ एरर आ रहा है तो यहाँ पे आपको अपने एंटीवायरस को ऑफ कर देना है। उसके बाद BlueStacks ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप में। इंस्टॉलिंग के प्रोसेस में भी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इंस्टॉलेशन टाइम डिपेंड करता है आपके पीसी के परफॉर्मेंस पे। अब उसके बाद BlueStacks आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप BlueStacks में कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन करा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि BlueStacks में आपको प्ले स्टोर मिल जाते हैं, गेम सेंटर मिल जाते हैं, आपको जो सिस्टम ऐप्स हैं BlueStacks के यहाँ पर आपको वो मिल जाते हैं। सिंपली यहाँ पे अगर आपको प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल फिल करना है, पासवर्ड फिल करके नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे आप प्ले स्टोर में साइन इन हो जाओगे। अब उसके बाद यहाँ पे प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको सर्च में आना है और जो भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है यहाँ पर आपको सर्च करना है। सिंपली यहाँ पर आपको इंस्टॉल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो डाउनलोडिंग होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप प्ले स्टोर में साइन इन करके कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। BlueStacks में कोई भी एप्लीकेशन अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ BlueStacks में क्या सेटिंग्स होनी चाहिए आपके पीसी के अकॉर्डिंग। सिंपली यहाँ पर आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ परफॉर्मेंस में CPU लोकेशन में आपको यहाँ पे मीडियम ही रखना है, जो बाई डिफॉल्ट सेट होगा आपको यहाँ पे वही रखना है। मेमोरी लोकेशन में आपको डिफॉल्ट ही रखना है। फिर यहाँ परफॉर्मेंस मोड में आप यहाँ पे बैलेंस या फिर हाई परफॉर्मेंस या फिर लो मेमोरी पे रख सकते हो। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा हाई परफॉर्मेंस पे ही रखना है आपको। उसके बाद आपको फ्रेम रेट को 60 करके रखना है, फुल करके रखना है। अगर यहाँ पे आप फ्रेम रेट को 60 से ज़्यादा रखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है हाई फ्रेम रेट को। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी FPS रखना चाहते हो यहाँ से आपको सेट कर लेना है और आपको सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है मैं इन्हीं सेटिंग्स को रहने देता हूँ। आप अगर BlueStacks से कोई भी गेम खेलते हो तो यहाँ पे अगर आपको FPS को डिस्प्ले करना है, आप जैसे कि कोई भी गेम खेल रहे हो आप चाहते हो कि FPS जो है वो डिस्प्ले हो, मतलब FPS कितना फ्लक्चुएट हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो सिंपली अगर आपको FPS को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे आपको इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है डिस्प्ले का ऑप्शन। यहाँ पे डिस्प्ले रिजोल्यूशन में आपको लैंडस्केप में ही रखना है और जो रिजोल्यूशन है आप इसे भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट ही रखता हूँ। फिर यहाँ आप पिक्सल डेंसिटी भी चेंज कर सकते हो। माउस कर्सर का जो स्टाइल है आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आता है ग्राफिक्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप ग्राफिक्स इंजन मोड में यहाँ पे आप कंपेटेबिलिटी या फिर परफॉर्मेंस पे रख सकते हो। ग्राफिक्स रेंडर में आपको OpenGL को ही रखना है और यहाँ आपको प्रेफर डेडिकेटेड GPU को इनेबल करके रखना है। उसके बाद आपको सेव चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आता है ऑडियो का ऑप्शन। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ही रखना है। उसके बाद आता है गेम पैड का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी गेम पैड है तो इसे इनेबल करके आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है प्रेफरेंसेस का ऑप्शन। आप चाहे तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ब्लूस्टैक को अगर आपको डिस्कॉर्ड से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो। तो इसी तरह से आप एक एक करके रीड करके आप कुछ भी अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप पाथ लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप पाथ लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिवाइस में डिवाइस प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो। आप अपना खुद का डिवाइस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट ए कस्टम प्रोफाइल पे क्लिक करके। नेटवर्क प्रोवाइडर भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद शॉर्टकट्स में जो भी शॉर्टकट्स हैं ब्लूस्टैक के यहाँ पर आप वो चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है यूज़र डेटा का ऑप्शन। आप डिस्क को क्लीन कर सकते हो जो भी अनयूज्ड होगा। उसके बाद रहता है एडवांस का ऑप्शन। यहाँ पर इन सेटिंग्स को आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है। तो ये थी कुछ सेटिंग्स ब्लूस्टैक में आपको क्या क्या रखना चाहिए। तो इस तरह से आप ब्लूस्टैक को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने आपको जो भी स्टेप्स बताया ब्लूस्टैक को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, वो सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अपने कंप्यूटर में ब्लूस्टैक को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।